हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के लिए खतरे की घंटियां बजने लगीं। कतर और अमेरिका के दरमियान असलाह की खरीदारी का 12 अरब डॉलर का मुआहदा, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दो अमेरिकी बहरी जहाज कतर के दारुल हुकूमत दोहा की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गए हैं। दूसरी जानिब इतलात हैं कि कतर ने अमेरिका से F-15 हथियारों की खरीदारी का मुआहदा किया है, जिनकी मालियत 12 अरब डॉलर बताई जाती है। कतरी वजीर दिफा का कहना है कि इनके मुल्क ने अमेरिका से F-15 हथियारों की खरीदारी के लिए 12 अरब डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर जेम्स मेट्स और मुतलका कतरी अहदेदार आइंदा हफ्ते एक दूसरे से मुलाकात और हथियारों की खरीदारी के हतमी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में अमेरिका ने कतर के साथ बेहतर F-15 हथियारों की फरोग के लिए 21 अरब डॉलर के मुआहदे की मंजूरी दी थी। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक कतर ने सन 2014 में 10 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत का फौजी साजो सामान खरीदा था, जिनमें अपाची हेलीकॉप्टर, पैट्रियाट मिसाइल और हवाई जहाज शामिल थे। उधर अल जजीरा टीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी जंगी बहरी जहाज कतर के साथ मुश्तरका बहरी मशकों में हिस्सा लेने के लिए दोहा पहुंच गए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में मुतहदा अरब अमारात के सफीर ने बुध के रोज अमेरिका से मुतालबा किया कि वो कतर की अल अदीदा फौजी छावनी में तैनात अमेरिकी फौजियों को कतरी हुकाम पर दबाव के लिए इस्तेमाल करे, ताकि इन्हें अपने मौकफ से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। अमेरिकी वजारत जंग पेंटागन ने खलीज फारस के बाद अरब मुल्कों की जानिब से कतर का मुहासरा अल अदीदा छावनी की सरगर्मियों पर असरअंदाज नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब, बहरीन, मुतहदा अरब अमारात और मिस्र ने 5 जून 2017 को बैक वक्त कतर से अपने ताल्लुकात मुनकिता और समंदरी, फजाई और जमीनी सरहदें बंद कर दी थीं। मस्कूरा मालिक ने कतर पर दहशतगर्द ग्रोहों की हमायत और दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।